आप अपने मोबाइल से वर्चुअल आईडी नंबर के द्वारा आप अपना आधार कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं? तो दोस्तों, इसके लिए आपको क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना और eAadhar.uidai.gov.in के वेबसाइट पे चले जाना है। दोस्तों, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आधार डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप यहां क्या करें, आप यहां पे आधार नंबर, एनरोलमेंट नंबर और वर्चुअल आईडी, तो आपको फाइनली वर्चुअल आईडी ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ 16 डिजिट का वर्चुअल आईडी नंबर इंटर कर ले। दोस्तों, वर्चुअल आईडी का मतलब होता है वास्तविक, और इसका जो नंबर होता है वो 16 डिजिट का होता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ 16 डिजिट का वर्चुअल आईडी नंबर इंटर कर लिया हूँ, और अब मैं इसे आगे बढ़ाता हूँ, यानी नेक्स्ट करता हूँ। तो नेक्स्ट करने से पहले आपको इस छोटी सी सर्कल पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ कैप्चा डालना है। कैप्चा डालने के बाद आप यहाँ सेंड ओटीपी पे क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी सेंड कर दिया जाएगा, और फिर आप उस ओटीपी को यहाँ इंटर कर लें। तो दोस्तों, यहाँ पे ओटीपी सेंड कर दिया गया है और मैं यहाँ ओटीपी को इंटर कर लिया हूँ। तो इसके बाद आपको क्या करना है, आप यहाँ यस पे क्लिक कर दें। यस पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ नोट ऑर्डर पे क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद वेरीफाई एंड डाउनलोड पे क्लिक कर दें। आपका आधार कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। जब आप अपना आधार कार्ड डाउनलोड कर लेंगे तो उसमें एक पासवर्ड मांगा जाएगा, तो आप उस पासवर्ड में क्या डालेंगे? तो दोस्तों, यहाँ पे आपको पासवर्ड में क्या डालना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ आपको आधार कार्ड का जो वेबसाइट है वो लिख करके यहाँ समझाया है कि आप पासवर्ड में क्या डालेंगे। तो जैसे आपका कुछ भी नाम है, यहाँ एग्जाम्पल में अनिस वाई कुमार लिख करके दिखाया, और डेट ऑफ बर्थ 1989। तो दोस्तों, आपको ऐसा नहीं डालना है। आपका जो भी नाम है उस नाम का फर्स्ट 4 लेटर कैपिटल डालना है, और अपना डेट ऑफ बर्थ का लास्ट ईयर डालना है। तो जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ 1992 है, 98 है, या 2000 का है, या 2005 का है, तो आप वो लास्ट ईयर डाल लेना, और नेम का 4 लेटर कैपिटल। उसके बाद आपका पीडीएफ ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मैं अपना आधार कार्ड को ओपन करके दिखाता हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पासवर्ड मांग रहा है। तो मैं यहाँ पासवर्ड में क्या डालता हूँ, आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे पासवर्ड में अपना नाम का फर्स्ट 4 लेटर कैपिटल डालना है, तो मैं यहाँ 4 लेटर डाल लिया। अब यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ का लास्ट ईयर डालना है, तो दोस्तों 1998 है, 1998 डाल लेते हैं। उसके बाद आप यहाँ क्लिक कर देना, आपका आधार कार्ड ओपन हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं, आधार कार्ड सक्सेसफुल डाउनलोड हो करके ओपन भी हो गया है, और यहाँ पे आप अपने मोबाइल पे सेव कर रख सकते हैं। आपका कहीं भी काम पड़ता है तो आप इसे तुरंत पीडीएफ निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें, और हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको इस तरह का लेटेस्ट वीडियो हमेशा मिलता रहे।